अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज तो होप इंजॉय हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी फूफो के घर हूँ, मैं हूँ, और संडे को हम लोग जाएंगे पिकनिक पर। तो बस अभी हम उसी की तैयारी तो हम लोग सारी कर ही चुके हैं। गाड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं, सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है, हम लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं और थोड़ी देर में बस हम पिकनिक के लिए रवाना हो जाएंगे। मौसम भी माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा हुआ हुआ है, धूप बिल्कुल नहीं है, गर्मी नहीं है, बारिश हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे इस रास्ते में ना एक अफसार आई थी, तो हमने कहा थोड़ा खूबसूरत अफसार है, बच्चों को थोड़ा इंजॉय करवाया जाए। सब लोग जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैं छोटे बच्चे हैं मेरे, जाने जाओ वजह से फिर ऊपर मैं नहीं जा सकी। और सब लोग गए थे, खूब इंजॉय हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। हाथ पकड़ो, मैंने जो है ऐसा नहीं हाथ आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने कहा कि बस एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, सारा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पर एडिटिंग करने में बहुत दिन लग गए, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बहुत दिन लगा दिया। आज वेनसडे हो गया है, आज मैंने सोचा एडिटिंग कर ही दूँ, आप लोगों को इतना इंतज़ार किस लिए करवाया जाए। मैडम कुछ भी नहीं होगा, पानी में हाथ डाल गरम ऐसे कर, अब आपको तस्वीर दे देंगे वो पर। यहाँ पर आयजा जो हैं फोटो सेशन अपने करवा रही हैं अपना। सारे मज़े तो बस बच्चों के ही होते हैं, बच्चे खुश रहें तो बच्चे बड़े भी खुश होते हैं। बच्चों की खातिर तो ये सारी थकावट हो वाइफ हम बर्दाश्त करते हैं पानी। और यहाँ पर जहाँ मेन अपने पिकनिक पॉइंट पर हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग यहाँ पे सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह हमारी पार्क हो गई हैं और अब भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हाइकिंग करके। अभी देखेंगे, आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी रास्ता कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा। बस यहाँ से गुजरते हुए हम लोग एक जगह पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जाकर मैं तो स्टॉप कर जाऊँगी। ये लोग पाकिस्तानी लोग हैं, ये सब कुछ लोग हाइकिंग करके आगे तक चलते हैं, अबशार है वहाँ तक जाएंगे। पानी है ऊपर, पिक्चर्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं गई क्योंकि वो बहुत ही चप्पल में 1.5 घंटे की हाइकिंग है। फिर सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, मैं वहाँ छोटे बच्चों के साथ मैं नहीं जा सकती। ये देखें यहाँ पर हम लोग, मैं भी यहाँ तक पहुँची, यहाँ बैठ जाओ पत्थर पर बैठ जाओ। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। अभी सब लोग जो हैं यहाँ से क्रॉस करके आगे तक गए हैं, लेकिन मैं नहीं गई, मैं वापस आ गई थी। मेरी फूफो भी वापस चली गई थी, वो नीचे ही खड़ी हुई थी। ये बहुत डेंजरस रास्ता था, अब बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं जा सकी बच्चों की वजह से, बच्चों को भी मैं नीचे ले गई थी। ये है वो खूबसूरत आबशार जहाँ पर ये लोग बाकी सब गए थे, और लेकिन मैं नहीं जा सकी, बच्चे छोटे हैं ना। आयजा मुस्तफ़ा गए, आयजा मुस्तफ़ा ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, वो वहाँ तक गए थे आबशार तक। बहुत ही ख़तरनाक ये आबशार थी, लेकिन खूबसूरत भी बहुत थी। ये देखें बादल कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था। सब लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए हैं। अभी यहाँ से हम पिकनिक से फारिग हो के अब एक जगह पे हमने स्टे किया है,
सब कारपेट वगैरह बिछा के सब लोग खाना खा रहे हैं, बिरयानी कीमा पराठे ये सब कुछ हम लोग बना के लेके गए थे। बच्चों ने नहा के बहुत इंजॉय किया, बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवाए, सब लोग बहुत थक चुके हैं, भूख भी लगी है, सब लोग खाना वगैरह खाने में बिजी हो चुके हैं। जनाब और जनाब इसी के साथ हमारा सफ़र जो है ख़त्म हो चुका है। इतना खूबसूरत मौसम हो चुका है, यही वो रास्ता है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और अब एंड हो रहा है हमारे सफ़र का। कोई भी सफ़र शुरू होना तो दिल बड़ा खुश होता है, जब दिल चाहता है बस जल्दी से हम उस जगह पर पहुंच जाएं जहाँ पर हमारा जाने का इरादा है, लेकिन जब वो सफ़र ख़त्म हो रहा होता है ना तो दिल बड़ा उदास होता है, दिल नहीं जा रहा होता घर वापस जाने को, लेकिन जाना तो होता है ना। जो भी सफ़र हो, कोई भी सफ़र हो, उसकी एंडिंग तो होती है ना। कोई भी काम, कोई भी सफ़र हमेशा एक जैसा एक में काम हो ख़त्म तो होता ही है, कोई भी काम हो खुशी तो कभी ना कभी आती है, हम हमेशा एक साथ नहीं रहते, बस कभी खुशी तो कभी काम, ये तो सब चलता ही रहता है। लेकिन सफ़र का आगाज़ अच्छा हो, एंडिंग भी अच्छी ही होती है, बस हल्का फुल्का ऐसा सफ़र ज़िंदगी में पिकनिक वगैरह होनी चाहिए, कभी कभार ज़िंदगी में चेंजिंग आनी चाहिए, एक ही रूटीन एक ही सब कुछ से बंदा तंग आ जाता है। कुछ पिकनिक वगैरह हम करते रहें, एक साथ मिलें जुलें इंजॉय करें तो ज़िंदगी में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ऊँची ऊँची पहाड़ों को देख के, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, इन ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को देख के बहुत ही अच्छा दिल खुश होता है, दिल चाहता है कि इन ऊँचे पहाड़ों पर जाके अपना बसेरा करें।